आई एम प्रीटी श्योर जब भी आप कोई भी मिक्सिंग का प्रोजेक्ट लेते हैं तो वो जो क्लाइंट है या आपके दोस्त हैं वो हमेशा एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उस गाने को मिक्स और मास्टर दोनों करेंगे। तो कहीं ना कहीं जैसे तैसे आप गाने को मिक्स तो कर लेते हो, लेकिन जब आप मास्टरिंग स्टेज में जाते होगे तो आप में से बहुत सारे लोगों के माइंड में ये सवाल आता होगा कि अब मैं इस गाने में क्या करूं। एट द सेम टाइम मास्टरिंग करते वक्त बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको रेफरेंसेस नहीं मिलते और वो इवेंचुअली अपने मिक्स पे एक लिमिटर डाल देते हैं और अपने क्लाइंट को भेज देते हैं। तो बेसिकली हम लोग अपने स्टूडेंट्स को वीकली असाइनमेंट देते हैं और ऐसे मास्टरिंग के असाइनमेंट को जब रिव्यू करने का टाइम आया तो मेरे एक अकेडमी स्टूडेंट ने अपने लेक्चर में एक ऐसी चीज कर दी जिसके बाद मैं भी बोला, क्या बात है सर, क्या बात है सर। तो क्लास के बाद जब मैंने उनसे पूछा कि आपने रेफरेंस क्या लिया था जो आपका मास्टर इतना अलग साउंड कर रहा है बाकी लोगों से, तो उन्होंने सिंपली बोला कि आपने जो मिक्स दिया था उसी को मैंने एज अ रेफरेंस यूज कर लिया। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि आपने मास्टरिंग के लिए एक मिक्स से रेफरेंस कैसे लिया, तो उन्होंने बोला कि मैं आपको समझाता हूं। बेसिकली जो आपने मिक्स फाइल दी थी उसको सबसे पहले मैंने खुद से मास्टर किया, जो भी हम लोगों ने सीखा था अकेडमी में उसके हिसाब से मास्टर किया। उसके बाद आपने जो मिक्स दिया था उसको मैंने एक AI मास्टरिंग प्लेटफॉर्म पे डाला और वहां से भी एक मास्टर निकाल लिया, और जो भी चीजें मेरे को उस मास्टर की अच्छी दिख रही थी उनको मैंने अपने मास्टर में ऐड कर दिया। तो ये सुनके मेरे को शॉक भी हुआ, येट मेरे को काफी अच्छा भी लगा, बिकॉज मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को ये चीज बताता हूँ कि AI टूल्स का तो यूज करो, लेकिन हमेशा अपने कान खुले रखना, जो भी जजमेंट लो वो अपने इमोशंस के हिसाब से, अपने कानों के हिसाब से लेना। बिकॉज हो सकता है कि AI आपके गाने में 10 चीजें ऐड करके दे जिनमें से एक्चुअली 2 काम की है और 8 काम की नहीं है, और जो भी चेंजेस आप अपने ट्रैक में करें या जो भी AI ने किए, हमेशा वहाँ पे क्वेश्चन उठ जाना चाहिए कि क्या वो गाने की स्टोरी को जस्टिफाई कर रहा है, क्या वो उसके इमोशंस में ऐड कर रहा है। तो ये वाला जो चीट कोड था जो मेरे स्टूडेंट ने इन्वेंट किया, आज मैं उसका एक प्रैक्टिकल डेमोंस्ट्रेशन दिखाऊंगा और हम लोग देखेंगे कि वो कितने हद तक वैलिड है, और इस एक्टिविटी के बाद अपनी ऑब्जर्वेशन के बाद हम लोग एक मजेदार गेम खेलने वाले हैं। क्या बात कर रहे हो, 6 लोगों को भी बेटर लगा, तो इस वीडियो को जरूर एंड तक देखना। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, लेट्स क्लिक ऑन गो मास्टर। अब जैसे ही हमें प्लान चूज करने को बोलेगा, यहाँ पे हम लोग फ्री प्लान ले लेंगे, गो मास्टर पे क्लिक करेंगे। इन दिस केस मैं म्यूनिट को यूज कर रहा हूँ बिकॉज ये साइन अप के साथ आपको 3 फ्री मास्टर्स भी देता है। सो ब्राउज पे मैं क्लिक करूंगा एंड मैं कहीं ना कहीं उस मास्टर को इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं अपलोड होना चालू हो गया है, और जिस गाने को मैं यूज करूंगा वो फ्रापे आश का इश्कादा जहां है, और उस गाने को मैंने लास्ट ईयर मिक्स मास्टर किया था जब मैं लंच ब्रेक पे काम कर रहा था। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मास्टरिंग कंप्लीट हो चुका है, जैसे ही मैं कंफर्म पे क्लिक करूंगा ये एक नया पेज खोल देगा, और यहाँ पे आप नॉट ओनली देख सकते हैं कि आपकी मिक्स्ड फाइल कैसी थी, मास्टर्ड फाइल कैसी थी, आप इवन डिफरेंट फॉर्मेट्स में इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके अलावा जो चीज मेरे को सबसे अच्छी लगी इस प्लेटफॉर्म की वो है इनका इनडेप्थ एनालिसिस। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं नीचे इन्होंने इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे दी है, स्टेटिस्टिक्स दे दिए कि एक्चुअल में जो मेरा गाना था उसकी पीक -1.7 पे थी, उसको इसने 0 पे कर दिया है, यानी कि कहीं ना कहीं इसकी जो आउट सीलिंग है ये 0.0 रखता है। एट द सेम टाइम इसने जो मेरा LUFS है या मेरा जो RMS है, मोर और लेस आप कह सकते हैं, उसको इसने -9.43 पे सेट कर दिया है, दैट्स प्रीटी गुड। उसके अलावा आप लोग देख सकते हैं RMS एनर्जी भी यहाँ पे दिखा रहा है, ओरिजिनल गाने की एनर्जी कुछ ऐसी थी, मास्टर्ड फाइल की कुछ ऐसी है, ज्यादा कुछ डायनेमिक्स में चेंज नहीं आया, लेकिन ये तो हमें सुन के पता चलेगा। तो एक काम करते हैं, ये सारी चीजें तो आप लोग खुद से भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, हम लोग डायरेक्ट कंपैरिजन पे आते हैं। तो एक बार सबसे पहले मैं आप लोगों को मिक्स प्ले करके सुनाता हूं कि मैंने इस AI को कौन सा मिक्स दिया था। उबर में जोटे करे वो टैक्सी है ना, स्वेदर आई नीड दैट मच। अंग्रेज आम में पक्के खेत के, हल चलाया नहीं पर हल है हर समस्या का, तू हल्के में ना ले ये दिल हलाल हो जाएगा। बालकनी में तो आया कर दी मैंने देरी, हारमोनियम बजा के अब क्या सुर लगाऊं तेरे लिए, यहाँ पे माँ की मिस कॉल 50। ओह क्या बात है, मतलब साउंड को एकदम खोल दिया इसने एंड कहीं ना कहीं काफी ज्यादा क्लैरिटी भी ऐड कर दी हमारे मास्टर में। वैसे ही गाना मेरे को बहुत ज्यादा पसंद है, काफी डिफरेंट अरेंजमेंट है इसका, लेकिन इसके 2 सेक्शंस पकड़ते हैं हम लोग, फ्रैपे का वर्स और ऑनकोर का वर्स पकड़ते हैं एंड इनको पैरेलली कंपेयर करके देखते हैं मेरे वाले मास्टर से जो एप्पल म्यूजिक पे रिलीज हुआ है। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, एप्पल म्यूजिक वाला सुनते हैं। Uber में जोटे करे वो टैक्सी है ना, swear that I need that much, anything about me that she can't trust। क्या बात है, AI का सुनते हैं। Baby got back, can I beat that up, and I swear I really love the way you put your pants on, de pana dil mein tere ban ja meri landlord। All right, Encore का verse सुनते हैं। Like my name is Avijay, लेकिन दोस्त बोले नहीं कि मारा तेरे घर के बाहर गेड़ी, balcony में तो आया कर दी मैंने देरी। AI घर के बाहर गेड़ी, balcony में तो आया कर दी मैंने देरी, हारमोनियम बजा के अब क्या सुर लगाऊं तेरे लिए यहाँ पे। मैं कुछ पॉइंट्स हाईलाइट करना चाहूंगा जो मेरे को एक्चुअली AI मास्टर्ड के बहुत अच्छे लगे, एंड आई फील कि जो मेरा किया हुआ मास्टर है उसको मैं 5% और पुश कर सकता था अगर मैं ये वाले इनपुट्स ले लेता। सो बेसिकली जिस तरह से इसने परकशंस को कंट्रोल किया वो आइडिया मेरे को बहुत अच्छा लगा, इवन तो यहाँ पे बहुत ज्यादा कंट्रोल हो गई है। जैसे कि वो जो
तबला का फिलर था या फिर अगर मैं हारमोनियम की बात करूं तो एक्चुअल में जितनी मेरे मास्टर में विड्थ है उससे तो बहुत कम विड्थ है इसमें, बट स्टिल आई फील कि मैं दोनों का एक मिडिल पॉइंट ढूंढ सकता था एंड कहीं ना कहीं हल्का बहुत कंप्रेशन और कर सकता था अपने मास्टर में, बिकॉज उसके अलावा मेरे को वैसे तो बहुत ज्यादा कुछ नहीं मिल रहा जो मैं इस मास्टर से ले सकता हूं। बट कहीं ना कहीं आपको ये चीज भी रियलाइज करनी है कि मैं 100-500 से ज्यादा गाने मास्टर कर चुका हूं, तो कहीं ना कहीं वो जो एक्सपीरियंस है वो भी एड अप होता रहता है एंड तभी मैं कम्पीट कर पाया इस मास्टर से, और सब कुछ मैंने अपने गाने में मैनुअली किया। इसलिए मैं अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूं कि फंडामेंटल्स पे अपनी पकड़ बना लो। अगर आपके फंडे क्लियर हैं, अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं, तो आप किसी भी टेक्सचर को अचीव कर सकते हो, किसी भी टोन को ऑब्टेन कर सकते हो। तो इनके अगर आप लोग मेरे से सीखना चाहते हैं, हर महीने एक लाइव सेशन का पार्ट होना चाहते हैं जिसको मैं खुद कंडक्ट करता हूं, तो लिंक नीचे बायो में है, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। और अब अगर हम लोग गेम की बात करें तो गेम बहुत ही सिंपल है। मैं अपने कुछ स्टूडेंट्स को इन्वाइट करूंगा एक जूम कॉल पे, जहां पे मैं उनको ये दोनों मास्टर सुनाऊंगा, एक मेरा खुद का मास्टर जो मैंने मैन्युअली किया है और एक ये AI वाला मास्टर, एंड लेट्स सी कि मेरे स्टूडेंट्स को कौन सा मास्टर ज्यादा पसंद आता है और क्या वो लोग वो मास्टर पकड़ पाते हैं जिसको हम लोगों ने AI से किया है। तो शुरू करते हैं इस चैलेंज को, है ना। सबसे पहले मैं पहला मास्टर प्ले करता हूं, मैं बताऊंगा नहीं कौन सा AI है कौन सा मैनुअल है, आपको जनरली अपने पॉइंट्स लिस्ट डाउन करने, प्लस माइनस क्या फील हो रहा है, क्या बेटर हो सकता है, एंड फिर हम लोग सवाल जवाब शुरू करेंगे। ये था वर्जन नंबर ए, अब बी सुनते हैं एक बार। Oh, shit go be so complicated, my custom. मिलता नहीं कभी जो यहाँ खोया पाके रब, मुझे अपने IG वाला दोस्त ना समझ, खुलते ही दोनों हम। So, एक ऐसे ही छोटा सा heads up लेते हैं, कितने लोगों को A वाला version better लगा, B वाला कितने लोगों को better लगा? क्या बात कर रहे हो, 6 लोगों को B better लगा। हरकीरत A सर। सर मैं okay, मैं रीजनिंग बाद में बताऊंगा, कोई बात रीजन अभी लूंगा मैं, बाकी सबको पक्का बी अच्छा लगा। यस सर। अब बदलेंगे मेरे को मेरे भाई, चलो नेवर माइंड। अच्छा मेरे को आशुतोष रीजन बताओ कि आपको बी क्यों अच्छा लगा। सर बी में मेरे को जो चीज अच्छी लगी ना, वो जो सिंगिंग पार्ट है ना इसका, वो थोड़ा सा मतलब फैल रहा था फर्स्ट में, उसकी वजह से जो सिंगर के वोकल्स है वो इतने ज्यादा उसमें क्लैरिटी नहीं थी, तो वो और कंट्रोल थे इसमें और थोड़े से खुले हुए थे वोकल्स, और बेस स्पेशली टाइट था इसमें काफी सेकंड वाले में। सर नो डाउट जो आशुतोष भाई ने बोला, बेस तो बी में बढ़िया था, अब बदलेंगे मेरे को लग रहा है, वो ए में थोड़ा लैग कर रहा था, बट जैसे रैप का वर्स था स्पेशली ए वाले वर्जन में, उसमें जो एक लो एंड जो एक भारीपन है ए वाले में वो था, एंड सेकंड ऑफ ऑल जो अपना फर्स्ट वाला वर्जन था उसमें हाई एंड बहुत ही क्लीन बहुत ही क्रिस्प जैसे डिटेलिंग में काम हुआ होता है। ऐसा भी हो सकता है मैं अकेला हूं तो गलत भी हो सकता हूं, मतलब आइसोटोप के ओजोन से वो तो मास्टर असिस्टेंट भी बहुत तगड़ा है उसका, तो हाई एंड जैसे मर्जी बूस्ट हो सकता है, बट मेरे को पर्सनली ए का टेस्ट बहुत बढ़िया लगा। सर जो ए वाला है उसमें एक तो क्लैरिटी कम है, मतलब बहुत ज्यादा जगह ऐसा हो रहा है कि कुछ क्लैश कर रहा है, जो जैसे लिमिटर से हम मास्टर में वॉल्यूम बढ़ाते हैं ना, तो उन्होंने सभी कुछ बढ़ा दिया, मतलब उसके बाद क्लीन नहीं किया, तो बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो चुभ रही थी कान में कहीं कहीं पे। जो सिंगिंग वाला पार्ट है उसमें जो हुक है वो तो ठीक है, बट हुक खत्म होने के बाद एक लाइन आती है शुरू में, अब रातों में करके कुछ था, उसमें जो रिवर्ब है पूरा फैलता हुआ फील हो रहा है, मतलब कंट्रोल नहीं ए वाले में। ऑलराइट अजिंक्य आपका ऑब्जर्वेशन क्या था? सर मुझे बी सारा अच्छा लगा क्योंकि AI के AI मास्टरिंग वाले होंगे, बहुत तेज हो रहे हैं। पता नहीं अभी मैं रिवील करूंगा बाद में, बट ए में मेरे को ये लगा कि डायनामिक थोड़े बहुत स्कॉच कर रहे होंगे और मैं भी वो एक प्रीसेट सा उसके ऊपर आ गया होगा। और बी के अंदर मेरे को एक चीज ये अच्छी लगी, सारी पैनिंग वगैरह थी वो खुल के समझ में आ रही थी, और वहाँ पे क्लासिकल सिंगिंग हुई थी, तो बींग मिक्सिंग इंजीनियर अपना जॉब वो भी होता है कि उनका टेक्सचर फाइंड करना कि उनके भी अपन बेस दे पा रहे क्या उनका भी, तो वो भी पार्ट काफी अच्छे से आ रहा था, काफी डायनामिक रेंजेस मेंटेन थी, और रैप की भी सारी प्रोसेसिंग बहुत अच्छे से सुनाई दे रही थी, और अगर वो डायनामिक अगर स्कॉच कर जाए तो फिर अपन जो अटैक रिलीज सेट करते हैं वोकल्स के लिए उसका कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा, तो बी वाले में बहुत ही हद तक काफी ज्यादा क्लैरिटी थी। वेरी नाइस, अच्छा लगा मेरे को एक्चुअली। दोनों तुमने बड़े कोर पॉइंट्स हाईलाइट किए, एक डायनेमिक रेंज या ओवरऑल डायनेमिक्स की अगर हम बात करें, सेकंड सबसे क्रूशियल था पैनिंग, वो बहुत सही चीज तुमने पकड़ी, वो बहुत एविडेंट थी क्योंकि ना। यस सर सेम सर, जो माइन्यूट डिटेल्स थी सर बी में वो काफी विजिबल थी, ए में जैसा सुचिता जी ने बोला था वो भी लाइक प्रेडेड लग रहा था काफी, सब हर इंस्ट्रूमेंट को अपना वो स्पेस नहीं मिल रहा था, वोकल्स भी इतने नहीं आ रहे थे, बी में वोकल्स थोड़े भी करे, एंड बेस लाइन सबसे इम्पोर्टेंट मुझे फील हुआ कि बेस लाइन थोड़ा प्रेजेंट नहीं हो रहा था ए में, इसमें इसकी प्रेजेंस पता चल रही थी बी में। तो सर बाकी सबने तो ऑलमोस्ट पॉइंट्स बोल ही दिए हैं। मैं क्या बोलूं, कोई है सुझाव तुम्हारे पास? तो मेरा एक सिंपल ऑब्जर्वेशन है कि जब फर्स्ट वाला चला था तो स्टार्टिंग सेंट तक मुझे बहुत अनकंफर्टेबल लग रहा था।
लाइक बहुत चुभ रहा था कानों में, इवन वोकल्स एंड इंस्ट्रूमेंट से बहुत ना छुप रहे थे उसमें, लाइक इतना मजा नहीं आता सुनने में। जब बी चला तो आई फेल्ट सो अलग से फील हुआ एकदम, सारे इंस्ट्रूमेंट्स क्लीन थे, आई मीन सब कुछ फील कर पा रहा था उस टाइम। राइट, मनोज आपका ऑब्जर्वेशन क्या था? सर जो पहला मास्टर सुना उसमें मेरे को कहीं ना कहीं थोड़ा डर लगा वो मास्टर, और वोकल्स ना पीछे हल्के से पीछे लग रहे थे मेरे को, कि मतलब उनको और इंपॉर्टेंस मिल सकती थी पूरे मिक्स हुए मास्टर में। एंड सेकंड ऑफ ऑल, मैं गलत भी हो सकता हूँ, थोड़े एसेस चुभ रहे थे, थोड़े चुभन थी फर्स्ट में, पर सेकंड में वोकल्स भी प्रॉपर थे, मतलब सेकंड मोर फुलफिलिंग लगा। आई एम रियली ग्लैड कि जितने भी लोगों ने बी चूज किया वो मेरा ही मास्टर था एंड ए वाला एआई मास्टर था, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे को भी एक सेंस ऑफ डाउट था कि कहीं ऐसा ना हो ये एक्टिविटी उल्टी पड़ जाए मेरे पे। मेरा भी एनालिसिस कुछ ऐसा ही था, तो हाँ तालियां बजा सकते हो अपने लिए। इनफैक्ट मजेदार बात ये है कि ये सारे लोग जो यहाँ पे हैं ये एकेडमी का कोर्स कर चुके हैं। हरगिरत मेरे ऐप स्टूडेंट है इनका, ऑल्दो काम बहुत अच्छा है, इज डूइंग रियली गुड, तो इसीलिए हमारी एक्टिविटीज के पार्ट रहते हैं। सर एक्चुअली ना आजकल मैं पंजाबी सॉन्ग ज्यादा सुन रहा हूँ, उसमें ना सर एक आप चीज नोटिस करना, करण रंधावा का ना, उसमें उसके कोई भी गाना उठा के देख लेना, उसके ना हाईज बहुत ही मतलब चुभने वाले शार्प होते हैं, लेकिन वो फिर ना वो मोबाइल पे गाना और वो मतलब बढ़िया साउंड करता है, मेरे को लगता है उसकी दिक्कत हो गई, चाहे वो चुभ भी रहे थे तभी मुझे वो चीज बढ़िया लग रही थी। आई थिंक हरकीरत मुझे ये फील होता है कि रेफरेंसिंग और स्ट्रॉन्ग कर सकते हो तो, क्योंकि ऐसी वैसे कोई इशू नहीं है, एक पर्सनल टेस्ट भी होता है, बट जहाँ 90% इज टू वो हो जाए ना 10% रेशियो, तो वहाँ पे मतलब ये है कि कुछ रेफरेंस का करना पड़ेगा, बिकॉज इवेंचुअली देखो आप भी गाने मासेस के लिए बना रहे हो, आप भी चाहते हो कि मासेस कंज्यूम करें, कि नॉट जस्ट ऐसा गाना हो जो मेरे को ही अच्छा लगे बाकी सबको भी अच्छा लगे। तो इससे एक बहुत अच्छा मेरे को लगता है एक लर्निंग ले सकते हो छोटी सी तुम, कि ऐसे गाने बनाओ मासेस को साथ में सुनाओ कि आपको एक आइडिया लग जाए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मुझे हाई ज्यादा लग रहे हैं बट मासेस को ठीक लग रहे हैं। क्योंकि एक्चुअली ये चीज मेरे को सब में कॉमन दिखी कि ए वाला स्लाइटली डल साउंड कर रहा था, लो एंड भी थोड़ा सा वो था, इवन दो थोड़ा टाइट था बट ओवर टाइट हो गया वो, जिस वजह से पैनिंग, स्टीरियो इमेजिंग, डायनेमिक्स हर चीज थोड़ी थोड़ी पिचक गई। सेकंड वाला लाउड भी था हल्का, लेकिन मोर देन दैट उसके डायनेमिक्स भी ओपन थे, बिकॉज एआई ने मास्टर किया था 9.5 LUFS पे, मैंने आई गेस अराउंड 8 LUFS मास्टर किया है, बट स्टिल इतने डायनेमिक्स हम लोग प्रिजर्व कर पाए कितनी बड़ी बात है। सो डेफिनेटली हमेशा एक अपर एज मिलता ही है मैनुअली, जब आप करो, जब आप सारे फंडे सॉर्ट हैं आपके तो फिर तो आप साउंड बना सकते हो, है ना। तो आई एम श्योर आप लोगों को काफी कुछ सीखने को मिला होगा इस वीडियो से। आप लोग भी मुझे नीचे कमेंट्स में बताइए कि आपको कौन सा मास्टर ज्यादा अच्छा लगा, और इनके अगर आप लोग इस एआई मास्टरिंग प्लेटफॉर्म को ट्राई आउट करना चाहते हैं तो इसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। भाई ये वीडियो तो बड़ा ही जबरदस्त था, लेकिन एक बात बोलूं? हाँ भाई बोल। मुझे ना दोनों में से कोई भी मास्टर पसंद नहीं आया। तो एक काम करता हूँ, तेरे को मिक्स भेज देता हूँ, तू इससे बेहतर मास्टर करके दिखा दे। भाई इस पे तो एक शायरी याद आ गई। कैसी शायरी? ये दिल्ली में न जाने क्यों कम नहीं होती है ठंड, ये दिल्ली में न जाने क्यों कम नहीं होती है ठंड, जिसको भी शक है मेरी काबिलियत पर वो इस दुनिया का सबसे बड़ा। तो मैं क्या करूंगा, मैं पैरेलली, तो मैं क्या करूंगा, मैं साइड बाय साइड। आज तुम लोगों को डीबी से भी मिलवा देते हैं, आज डीबी भी इधर आया है, बहुत देर से मिलने के लिए कह रहा है कि गोदी उठा लो मेरे को। डीबी वो देख पा रहे हो आप सामने? हाँ ये कर लो पहले, चलो नेवर माइंड।